देखिए आई थॉट के इट शुड बी अ स्टार डेफिनेटली, क्योंकि एक क्लाइमैक्स में सलमान खान को या जो कैरेक्टर जो किरदार था जो भी होने वाला था। करण जौहर ने सलमान खान की आने वाली मूवी सिकंदर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। करण जौहर कहते हैं कि इस बार सिकंदर मूवी का क्रेज और सलमान खान की एक्साइटमेंट देख के ये लगता है कि इस बार हमें कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है फिर से ईद के मौके पर। और सिकंदर एक अनोखा प्रोजेक्ट है क्योंकि आज तक ऐसी मूवी नहीं बनी है जिसके अंदर स्पेशली सलमान खान की तरह किसी एक्टर को टारगेट किया गया हो, और इस मूवी के अंदर सिर्फ स्पेशली सलमान खान ही आ सकते हैं एक्शन के मामले में। और करण जौहर कहते हैं कि अगर कहीं पर एक्शन मामले में बात हो और सलमान खान ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बार सिकंदर मूवी के अंदर हमें एक्शन बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। शायद इसी वजह से सलमान खान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। करण जौहर कहते हैं कि सलमान खान का तो पूरा जोन ही अलग है बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि सलमान खान जैसा एक्टर कोई भी नहीं है, क्योंकि एक्शन के मामले में सलमान खान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और सारे बॉलीवुड को ये बताया कि सलमान खान जैसा एक्शन कोई नहीं कर सकता। और इस बार करण जौहर ने यह भी कहा है कि सिकंदर मूवी हो सकता है बॉलीवुड और साउथ के दोनों रिकॉर्ड को धज्जियां उड़ा दे, क्योंकि करण जौहर कहते हैं कि इस बार सिकंदर मूवी हो सकता है बाहुबली सालार जैसी मूवीज के रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ा के रखते, क्योंकि शाहरुख खान की पठान जवान के रिकॉर्ड तो इस मूवी का ट्रेलर ही तोड़ देगा। सिकंदर मूवी सुनने में जब इतनी खतरनाक लग रही है तो भाई ये जब रिलीज होगी तो कौन सी दवाई मचाएगी। और करण जौहर कहते हैं कि हम लोग हैरान है कि किसी मूवी को रिलीज होने से पहले इतना ज्यादा कभी भी क्रेज नहीं मिला, इकलौती ऐसी मूवी है जिनको विदेशों से भी बहुत ज्यादा क्रेज हासिल हुआ है। और बुक माई शो पे तो इस मूवी ने दबाई मचा के रख दिया, क्योंकि बुक माई शो भी हिल चुका है। जब से सिकंदर मूवी की अनाउंसमेंट हुई है तब से भाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल चुकी है। और करण जौहर कहते हैं कि अब सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि इस बार सलमान खान आ रहे हैं अपने सिकंदर जैसे प्रोजेक्ट के साथ और हो सकता है बाहुबली जैसे भी रिकॉर्ड टूट जाए, और इस बार हो सकता है सिकंदर मूवी बॉलीवुड को एक अलग लेवल पे पहुंचा दे, क्योंकि सिकंदर जैसे प्रोजेक्ट के अंदर अगर सलमान खान जैसे एक्शनदार सीन करते हैं तो भाई हो सकता है इस बार सिकंदर मूवी बड़े पर्दे फाश कर दे। और करण जौहर ने यह भी कहा है कि सिकंदर जैसे प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ सलमान खान जैसी पर्सनैलिटी सूट करती है, क्योंकि सलमान खान के जैसा एक्टर कोई भी नहीं है बॉलीवुड के अंदर एक्शन के मामले में। और करण जौहर कहते हैं कि सलमान खान ने खुद ये साबित किया है अपनी टाइगर 3 मूवी देखी और पठान मूवी के अंदर कैमियो करवा के कि सलमान खान फिर से वापस आ चुके हैं और सिकंदर जैसी मूवी को भी ला रहे हैं। करण जौहर ने यह भी कहा है कि इस बार सलमान खान के फैंस को अगर किसी मूवी का बहुत ज्यादा और बेसब्री से इंतजार है तो वो सिकंदर मूवी है, क्योंकि सिकंदर मूवी ने अनाउंसमेंट होते ही बहुत बड़ा तहलका मचा दिया बॉक्स ऑफिस पर और सारा बॉक्स ऑफिस हिल चुका है, क्योंकि इस बार पता नहीं कितना कलेक्शन करेगी सिकंदर मूवी। और इंडियन सिनेमा से ये भी खबर आई है कि भाई जब पठान मूवी के अंदर सलमान खान ने सिर्फ कैमियो किया था तो वो मूवी 1000 करोड़ से ऊपर गई थी। भाई सारी मूवी के अंदर सलमान खान आने वाले हैं तो ये मूवी क्या हालत करेगी बॉक्स ऑफिस की। और करण जौहर का ये स्टेटमेंट आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर लाजमी करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। और अगर आप सलमान खान के डाई हार्ट वाले फैन या फिर ऐसी न्यूज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और इस बार चैनल को भी विजिट करते जाना, क्योंकि आपको ऐसी न्यूज हो सकता है मिल जाए इस चैनल पर।